The party will celebrate Diksha Diwas today, marking 24 years since the party's founding. He reflected on how at the time of its establishment, no one believed that the dream of a separate Telangana would be realized. Well, Rama Rao stated that the celebrations will include several programs organized by party leaders. He emphasized that Diksha Diwas will serve as a source of inspiration and the party will continue to move forward with renewed determination, committed to fulfilling its vision for the state. Yes. 24 साल पहले जब टीआरएस का गठन हुआ और केसीआर सर ने जब पार्टी का फाउंडेशन ले किया, 24 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि तेलंगाना जो सपना था वो पूरा होगा। पर 15 साल पहले जब भूख हड़ताल पे केसीआर जी निकले, फास्ट एंड टू डेथ, या तो तेलंगाना मिले या केसीआर की जान जाए करके जब वो बाहर निकले, तो तब पूरा तेलंगाना समाज और हिंदुस्तान में जितने भी पार्टी है, पूरे पार्लियामेंट में जितने भी पार्टी है, 42 पार्टी, सभी लोग इकट्ठे होकर अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना का जो एक सपना है हासिल हुआ। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात यह है कि 15 साल पहले जो भूख हड़ताल केसीआर ने शुरू की 29 नवम्बर को, उस दिन को आज हम दीक्षा दिवस करके मनाते हैं। हमारी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे एमएलएस हैं, एमएलसी हैं, एमपीस हैं, सारे ही लोग 29 नवंबर को हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में बहुत बड़ी पैमाने पे हम लोग इंतजाम कर रहे हैं दीक्षा दिवस की। इस बारे में हम पार्टी ने पूरा एक प्रोग्राम भी तय किया, इसको लेके आगे ये दीक्षा दिवस को जोरों शोर से मनाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी अपील करते हैं और हमारे तेलंगाना के जितने भाई है बहन उनको याद भी दिलाते हैं, जिस तरह हमको कांग्रेस ने बीजेपी ने सताया तेलंगाना आंदोलन में, आज भी फिर वही दौर चालू है। तो इसीलिए उम्मीद है कि दीक्षा दिवस से फिर एक बार इंस्पिरेशन लेंगे, फिर एक लड़ाई के लिए, फिर एक जंग के लिए आगे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। साल पहले कैसे बोलो, यस, 24 साल पहले जब टीआरएस का गठन हुआ और केसीआर सर ने जब पार्टी का फाउंडेशन ले किया, 24 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि तेलंगाना जो सपना था वो पूरा होगा। पर 15 साल पहले जब भूख हड़ताल पे केसीआर जी निकले, फास्ट एंड टू डेथ, या तो तेलंगाना मिले या केसीआर की जान जाए करके जब वो बाहर निकले, तो तब पूरा तेलंगाना समाज और हिंदुस्तान में जितने भी पार्टी है, पूरे पार्लियामेंट में जितने भी पार्टी है, 42 पार्टी, सभी लोग इकट्ठे होके अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना का जो एक सपना है हासिल हुआ। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात यह है कि